दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने और एलजी साहब ने मिलके लगभग 400 ई बसेस का इनॉग्रेशन किया। 400 ई बसेस आज और दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। इसके पहले 400 बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही थी, तो अब 800 इलेक्ट्रिक बसेस, बिल्कुल मॉडर्न एयर कंडीशनड बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलने लगी हैं। और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। जैसा मैंने बताया, इसके पहले 400 बसेस चल रही थी, 400 और आज आ गई तो 800 बसेस हो गई हैं। इस साल 2023 के अंत तक हमारे पास उम्मीद है कि 1900 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे आ जाएंगी। 800 बसेस के साथ दिल्ली देश का सब शहर हो गया सबसे ज़्यादा बसों वाला, और 1900 बसेस आने के बाद दुनिया के चुनिंदा शहरों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया के में सबसे ज़्यादा होंगी, पर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। और 1900 बसेस आने के बाद हर साल हम 1.07 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि 2025 तक का हमारा लक्ष्य है, दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस, 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगे। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये किसी भी क्रांति से कम नहीं है कि आज हम 2023 में बैठे हैं, लगभग सवा दो साल के बाद हमारे पास 8,280 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, और जो कि 80% ऑफ द फ्लीट जो है वो, जबकि अभी 800 बसें हैं, 800 से 8,000, 10 टाइम्स बसें हम ढाई साल के अंदर, सवा दो साल में ले जाएंगे। ये बसें ज़ीरो पोल्यूशन करती हैं, एक सिंगल रिचार्ज चार्ज पे 225 किलोमीटर चलती है बस। सो एक बार अगर चार्ज हो जाए तो लगभग पूरा दिन उसका काम चल जाता है। सारी बसेज एयर कंडीशनड हैं और हर बस में जीपीएस यूनिट है उसकी लाइव ट्रैकिंग करने के लिए बस की, और डिस्क ब्रेक्स हैं, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है। आज की डेट में टोटल अभी बसें आई हैं, लेकिन कई बसेस जो हैं वो अपनी उनकी लाइफ पूरी हो गई थी, वो रिटायर भी हो गई हैं। आज की डेट में टोटल 7,135 बसें बची हैं दिल्ली में, जिसमें से 800 ई बसेस हैं और 6,335 जो हैं वो सीएनजी की बसेस हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी, और 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है, तो टोटल खर्चा 921 बसों पे टोटल खर्चा 4,091 करोड़, लगभग 4,100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे, 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8,200 बसों का जो हमारा टारगेट है उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1,200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1,200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे, हम उम्मीद करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।